एक जो चीज़ मैं हमेशा मानता हूँ कि आपको लर्निंग तभी आएगी जब आप रिस्क लोगे आ, राइट जितना ज़्यादा रिस्क लोगे और जितना ज़्यादा आप शायद चैलेंजेस एक्सेप्ट करोगे आपकी लाइफ की लर्निंग तभी आगे होगी अगर आपको चैलेंजेस अगर आप अपनी सेम जॉब में रूटीन जॉब में आपको नहीं लगता कि आप इतने यू फील चैलेंजड और आपको लगता है कि आपको इतनी मोनिटरस मोनिटर्नस एंड अगेन यू डोंट फील चैलेंज के मैं यहाँ पर अपना फुल हंड्रेड परसेंट दे रहा हूँ और मैं कुछ और नया सीख रहा हूँ एज मंथ ऑन मंथ और ईयर वन ईयर तब वो लगता है कि यार ये ये सही नहीं है मतलब तो इससे तो फिर मैं अपना मेरी खुद की पर्सनल ग्रोथ बहुत ही आ, मैं अपने आई विल नॉट भी एबल टू लिव अप टू माई स्टैंडर्ड्स दैट्स हाउ यू हैव टू थिंक फॉर योर सेल्फ तो फिर फाइनली दिमाग बना लिया कि आपको स्टार्टअप ही करना है और मतलब आई कंट डू एनी थिंग बियॉन्ड दिस मेरे को रिटायर नहीं होना जॉब में फॉर श्योर sure. ये क्लियर था uh, और मेरे को किसी और जॉब में नहीं जाना आई वॉन्ट टू डू अ स्टार्टअप और uh, जो मेरे को फाउंडर हैं विक्रम चोपड़ा ही इज़ माई कॉलेज बैच बैचमेट तो जब उस हिसाब से ही उसको पता था मैं मेरे को हो गया है मेरा जॉब बढ़ में में, आ, आ, आ गया तो सो ही बाउंस ऑफ दिस आइडिया विद मी अबाउट स्टार्टिंग समथिंग द यूज का स्पेस uh, सो so, so, hmm. so, मैंने क्या किया जब उसने आइडिया दिया तो मैंने अपने जॉब से एक महीने की छुट्टी ले ली मेरे पास खूब सारा वेकेशन बैलेंस था यार इसको तो फिर अब अगर इतना बड़ा रिस्क लेना है तो मेरे को खुद से पहले प्रिपेयर हो, करना है मेंटल प्रिपेयर होना पड़ेगा और आल्सो इसके बारे में जो हम आइडिया है उस आइडिया को एक बार वेल रिसर्च तो करें एक बार पूरा मार्केट में खुद उतरें और देखें कि एक्चुअली कितना सेंस बनाता है नहीं बनाता है तो मैंने एक महीने छुट्टी लेके फिर सिर्फ मार्केट स्टडी की आ, लोगों से जाके मिला कस्टमर से मिला डीलर से मिला और जब ख़ुद कन्विंस हुआ कि हाँ ये एक ऐसी ऐसा फील्ड है ये एक ऐसा ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे आ, मार्केट अभी काफ़ी ब्रोकन है आ, कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत ही पुअर है और अभी कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है मार्केट में विच वज़ इवन बेटर और यहाँ पे खूब अच्छा बेसिकली बिजनेस बनाया जा सकता है सो so, Uh, इस तरह से बेसिकली you know, तो तो यू नो पेट्रोल पंप खोज लिया <laughs> वो दैट वॉज माई एक्सीडेंट एक्चुअली पेट्रोल पंप uh, आप यूज कार की बात करें राइट right? तो नेचुरल आप कहाँ खोलें hmm. वे, वे शुड बी ओपन अवर फर्स्ट रिटेल uh, सेंटर uh, तो राय के कहां कहाँ पे है जहाँ पे गाड़ियाँ ज्यादा जाती है राइट right? तो वी रियलाइज की पेट्रोल पंप एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर इंसान मतलब महीने में कम से कम दो तीन बार तो आता ही है अपनी कार में पेट्रोल और डीजल भराने के लिए तो क्या अगर हम वहाँ पे खोलेंगे तो वी विल नेचुरली ऑर्गेनिकली गेट लॉट ऑफ अटेंशन लॉट ऑफ कस्टमर इनफ्लो तो हमने फिर गुड़गांव में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे एक फाइनली पेट्रोल पम्प मिला जहाँ पे एक, एक छोटा सा करीब uh, 800 स्क्वायर फीट का एक स्पेस uh, हाँ। मिला वहाँ से हमने अपनी uh, जर्नी की शुरुआत की